नमस्ते एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सदगुरु और संदीप महेश्वरी जी से क्या सीखा। मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन बहुत ही लेट आया, कुछ सालों पहले, 7-8 साल पहले आया। तो मुझे तब मुझे व्हाट्सएप की जानकारी हुई, यूट्यूब की जानकारी हुई। तो यूजुअली मैं जब किचन में काम करती हूँ या कोई भी वर्किंग मेरा काम रहता है तो मैं म्यूज़िक सुनती हूँ और लेक्चर्स वगैरह सुनती रहती हूँ। तो मैं स्पिरिचुअल लेक्चर सुनती थी, तो सदगुरु जी के लेक्चर्स मैं अक्सर सुनती थी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जब मैं कुछ पढ़ती थी या कुछ, तो मुझे लगता था एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, क्या खास बात है। तो सदगुरु के लेक्चर्स हमेशा कुछ डिफरेंट रहते हैं दूसरे लोगों से, तो उसमें कुछ एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि वो क्या बताते हैं, कि कैसे क्या होता है। तो उनके लेक्चर्स को मतलब सुनने में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहता था कि एक्चुअली होता क्या है। और उनके लेक्चर से मैंने सुना कि अमृत वेला में उठना चाहिए, तो मैं कई बार सोचती थी एक बार शुरू करती हूँ। मैं मेडिटेशन वगैरह करती थी पहले, लेकिन मैं इवनिंग में करती थी या थोड़ा लेट करती थी, लेकिन मैं अमृत वेला में नहीं करती थी। तो मैंने बहुत सोचा कि क्या एक बार शुरू करूँ, कि मेरी आदत है यदि एक बार चीज़ें मैं शुरू करती हूँ तो फिर मैं उसको फॉलो करती हूँ, और यदि मैं शुरू नहीं करती हूँ तो फिर मैं उसको इतना फॉलो भी नहीं करूँगी। तो इट इज़ लाइक अ माई कमिटमेंट, इफ़ आई हैव स्टार्टेड देन आई हैव टू फॉलो दैट। तो मैं सोचती रही कि शुरू करूं या ना करूं, क्योंकि घर में बहुत सारे काम रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठना, फिर या तो आप दिन में सो जाइए, अब दिन में भी बच्चे रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, तो कैन नॉट स्लीप इन अ डे टाइम। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो लेकिन फिर भी मैंने प्लान किया कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठूंगी, और बिफोर गेट रेडी मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं सारी चीज़ों को फिनिश करके आई रेडी, मतलब मैं तैयार होती हूँ। तो इसलिए मैं बहुत ही अर्ली उठी, जैसे सपोज दैट मैं 2 बजे उठी। तो अमृत वेला यूजुअली होता है कि ये 3 बजे से 5 बजे तक का समय, जब सूर्योदय होने वाला समय होता है, तो वो उसको मानते हैं। लेकिन मैं हमेशा मैं 2:30 से स्टार्ट करती हूँ, तो मैं 2:30 बजे मैं दिया जलाती हूँ और फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो मैंने ये सब काफ़ी सालों से शुरू किया, धीरे धीरे मुझे काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई, काफ़ी चीज़ें मेरी लाइफ में नई हुई। तो ये अमृत वेला में उठने के मेरे फ़ायदे हुए। फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने यूट्यूब वीडियोस पे काम करती हूँ, मैं कुछ पढ़ती हूँ या कुछ भी लिखना होता है, तो मैं ये सारी चीज़ें अमृत वेला में करती हूँ। संदीप महेश्वरी जी के लेक्चर्स भी मैंने सुनना शुरू किया था, तो मुझे लगा कि यूथ को वो बहुत ही एनकरेज करते हैं, आज की जनरेशन उनकी फॉलोवर्स है, तो मैं देखना चाहती थी कि वो क्या बताते, तो मैं उनके भी लेक्चर सुनती थी। तो एक बार मैंने उनके लेक्चर में ये सुना कि उन्होंने ये बताया कि आप बड़ा सोचिए, आप कुछ बड़ा सोचिए। देन आई थॉट कि क्या बड़ा सोचे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये सोचती हूँ आई हैव टू अचीव गॉड, तो मैं उस ईश्वर को प्राप्त करूँगी। मैं पूजा तो बचपन से करती थी और हमेशा करती रही, लेकिन मतलब कभी इस तरह से नहीं पता था कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी पूजा की जाती है। ईश्वर की पूजा मैं करती थी कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए, मेरी जॉब अच्छी लग जाए, लाइफ में मुझे अचीवमेंट मिले, मेरे पेपर पब्लिश हो जाए, मेरे रिसर्च के रिजल्ट्स अच्छे आए, मेरी शादी हो गई, उसके बाद मेरी फैमिली अच्छे से रहे, मेरे बच्चे प्रोग्रेस करें, तो यही सब भगवान से मेरी प्रार्थना रहती थी। बट आई नेवर थिंक अबाउट दैट कि आई हैव टू अचीव द गॉड। भगवान मुझे भी बताइए कि सच क्या है, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द लाइफ, और स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, मुझे भी ये सारी चीज़ें समझनी है। देन आई हैव टेकन अपॉइंटमेंट विद द परमपिता परमेश्वर एट 2:30 AM एंड 2:30 पर दिया जलाना शुरू किया, और फिर मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, किताबें मैं पढ़ने लग गई। मैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती मैं उसको हाईलाइट करती हूँ, मैं अपने नोट्स में इंक्लूड करती हूँ, और धीरे धीरे मैंने यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ बनाने शुरू किए। तो आज मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया था कि मैं आपको बताना चाहती थी कि मैंने सदगुरु से ही सीख कर अमृत वेला में उठना शुरू किया, और संदीप महेश्वरी जी से ही सीख कर मैंने कुछ बड़ा सोचा, आई हैव टू अचीव द गॉड। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगेगी, और आप लोग भी अमृत वेला में उठेंगे और कुछ अच्छी वाइब्रेशन को कैच करेंगे और अच्छी वाइब्रेशन रेडिएट करेंगे अपने यूनिवर्स में, जिससे कि हमारा ये संसार खूबसूरत और सुंदर बन जाए। मैंने सुना था कि अमृत वेला में उठते हैं तो ईश्वर उनको एक बड़ी जिम्मेदारी का काम देते हैं, एक हाईली रिस्पॉन्सिबल
आपको जॉब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है जिसको आपको परफॉर्म करना होता है। तो मैं अभी धीमे धीमे पढ़ रही हूँ, मैं चीजें समझ रही हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि और कितना गहरा मैं अध्यात्म में जा सकती हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे और समझनी है और मैं समझती रहूंगी, और जो जो मुझे समझ में आएगा मैं उसके वीडियोस बनाऊंगी और आप सभी लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो एक बार फिर से मैं सद्गुरु जी को धन्यवाद कहती हूँ और संदीप महेश्वरी जी को भी धन्यवाद कहती हूँ कि आप सभी के लेक्चर से मैंने सुना, समझा और मैं भी स्पिरिचुअलिटी फील्ड में आगे बढ़ी। थैंक यू, नमस्ते।